न्यूटन्स लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, समझो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम इसको आप कह सकते हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरह का ये टिपिकल वाला क्वेश्चन है, कनेक्टेड मोशन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे यहाँ पर न्यूटन का लॉ अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। और अगर ये आपको, मतलब बेसिकली एक इक्वेशन हमको मिलेगा जिससे हम एक्सेलरेशन, टेंशन, वो सारी चीज़ें इसमें निकाल पाएंगे। और अगर आपने ये वाला अगर आपको आ गया तो आप मतलब इसमें, इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, दिस इज़ अ पुली, पुली तो पता होगा, कुएं से पानी निकालने के लिए जो व्हील लगा रहता है जिसमें रस्सी लगा के, बाल्टी लगा के हम पानी निकालते हैं, ठीक है। सो दैट इज अ पुली। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग, एक धागे से या एक समझो एक रस्सी से इसको, दो मासेस को यहाँ पर हैंग किया गया है, एंड द स्ट्रिंग जो यहाँ पर धागा है जो भी है उसका, उसको हमने एकदम मासलेस अज्यूम किया है, बहुत नेग्लिजिबल मास है इन मासेस के सामने। तो ऐसे में हमको क्या क्या पूछा जा सकता है कि इसके अंदर टेंशन, इस रस्सी के अंदर टेंशन कितना क्रिएट होगा। और ऑब्वियसली अगर समझो ये वाला मास ग्रेटर है तो बॉडी या पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन या मोशन कैसा होगा, दिस मोशन विल बी समवॉट इन दिस मैनर, है ना। ये पुली के अराउंड में ये सिस्टम कैसे इस तरीके से मूव कर रहा होगा। सो लेट द एसोसिएटेड एक्सेलरेशन बी ए एंड लेट द टेंशन, अब टेंशन कैसे, सपोज ये वाला मास कम है और ये मास ज़्यादा, जैसे कि हमको दिख रहा है, सपोज दिस इज 5 kg, दिस इज सम 8 kg, तो यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकल सकता है। अब जो भी फोर्सेस हैं वो देख लो, अगर ग्रेविटी जी है तो ये वेट डाउनवर्ड एग्जर्ट कर रहा होगा, दैट इज एम टू इंटू जी, और वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन होता है तो वो टी, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, फोर्स ऑफ टेंशन, ये ऑब्वियसली उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वैसे ही यहाँ पर इसमें जो डाउनवर्ड फोर्स है इट इज एम वन इंटू जी, और इसको बैलेंस कर रहा है टेंशन जो एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब ऐसे में आपको, मतलब फॉर्मूला तो सिंपल तरीके से आ जाएगा, पर जो फ्री बॉडी डायग्राम है उस पे आप ज़्यादा फोकस किया करिए, वो ज़्यादा मतलब आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पर, मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ ऑफ एम वन तो क्या होगा यहाँ एग्जैक्टली, सो दिस इज़ योर मास एम वन, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इसके नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इट इज़ एम वन जी, ठीक है, या एम वन जी वो फोर्स है ये डाउनवर्ड जो यहाँ एक्ट कर रहा है। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यस इट इज टी, ठीक है। एम वन जी डाउनवर्ड्स है, टी ऊपर की तरफ है, पर फिर भी बॉडी कहाँ पर एक्सेलरेट कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये कि सिर्फ उसके बारे में देखो, सिर्फ उस मास के बारे में देखो, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली इस ऊपर वाले फोर्स के डायरेक्शन में, है ना। ये दो फोर्सेस ही हैं, ये एम वन जी और टी। अब एक्सेलरेशन बॉडी का कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ, बाय वैल्यू ए, ठीक है। तो उससे इक्वेशन क्या बनेगा, ऑब्वियसली द इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड एज, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उसको, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर यहाँ पर इस केस में मास विल बी व्हाट, इधर मास क्या है एम वन और एक्सेलरेशन क्या है ए है, कौन सा फोर्स लिखूं मैं यहाँ पर, दो फोर्सेस है, टी है, एम वन जी है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हुआ इन दोनों फोर्सेस में से वो वाला फोर्स ज़्यादा हायर हुआ, इसके लिए उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, है ना। तो यानी टेंशन वाला फोर्स ग्रेटर हुआ, ग्रेटर देन एम जी, और इसके लिए वो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ। तो यानी सिर्फ मैं टी नहीं लिख सकता यहाँ पर, क्योंकि ये दो फोर्सेस हैं और दो फोर्सेस का जो डिफरेंस है, मान लो ये 7 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, तो यानी इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन एक्स्ट्रा था, इसके लिए एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ ना। तो वो कैसे लिखूंगा मैं जो डिफरेंस है, आई विल राइट दिस एज टी माइनस एम वन जी, तो यानी ये वो फोर्स हुआ, सो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिल गया, टी माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन ए, ओके। और इसको फिलहाल इक्वेशन को अब साइड में रख दो, और ऐसा ही इक्वेशन हम क्रिएट कर सकते हैं दूसरे वाले बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम से। तो सपोज मैं वो सेकेंड बॉडी यहाँ दिखा देता हूँ,
सो दिस इज दैट एम टू जिसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम टू जी फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ टेंशन वाला फोर्स लग रहा है और ये बॉडी को कहाँ ले जा रहा है देखो नीचे की साइड में विद एक्सेलरेशन ए. तो यहाँ पर अगर सेम वही फॉर्मूला लगाऊँ तो इन दिस केस द फॉर्मूला विल बी देखो इसमें ये वाला फोर्स ग्रेटर कौन सा हुआ जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है. तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ऑब्वियसली मास यहाँ एम टू है एक्सेलरेशन ए है सो एम टू इंटू ए रहेगा. बट वॉट इज द फोर्स एम टू जी लिखूँ कि एम टू जी माइनस टी लिखूँ आप ही बताओगे तो ही लिखूंगा. हाँ राइट क्या बोल रहे हो राइट क्या था वो एम टू जी माइनस टी यही बोला ना आपने नहीं बोला तो बोल देना यही था ठीक है. सो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब इन्हीं इक्वेशन से हमको यहाँ पर फॉर्मूला मिल सकता है फॉर फाइंडिंग आउट द एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो फॉर फाइंडिंग आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है अगर आप इन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको एक चीज़ मिल जाएगी डिवाइड करोगे दूसरी चीज़ मिल जाएगी. चलो ठीक है पहले ऐड कर लेते हैं. एडिंग वन एंड टू ऐड कर लेंगे वन और टू को तो क्या मिल जाएगा टी माइनस एम वन जी प्लस एम टू जी माइनस टी. लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कर दिया और ऐसे ही राइट साइड को राइट साइड से एम वन ए प्लस एम टू ए. सही है तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा टेंशन वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचा देखो G कॉमन आ गया और क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 राइट. और इधर पे क्या कॉमन आ गया A कॉमन आ गया क्या है M1 प्लस M2. सो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला मिल गया. क्या है वो फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ ना क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी into m2 minus m1 by m1 plus m2. So this is formula for acceleration. अब equation को divide करोगे tension का मिल जाएगा कोई tension की बात नहीं है ठीक है. तो हम divide कर लेते हैं dividing 1 by 2 कर लो भैया क्या आ जाएगा t minus m1 g upon m1 g sorry m2 g माइनस टी इज इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड से एम वन ए बाय एम टू ए है ना. जब हमको एक्सेलरेशन का निकालना है तो हमने ऐड किया ताकि टेंशन कैंसिल हो जाए और जब हमको टेंशन का निकालना है तो हमने डिवाइड किया ताकि एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाए है ना. ट्रिक लगानी है भैया ऐसे नहीं आएगा ठीक है. तो इस केस में हमको अब क्या निकालना है टेंशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो कोई दिक्कत नहीं मैं भेज देते हैं. तो ये यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा m2 टू इंटू टी माइनस एम वन एम टू इंटू जी है ना. सो आई राइट दिस एज m2 टू इंटू टी माइनस एम वन एम टू इंटू जी है ना. ये आएगा मल्टीप्लाई तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा. वैसे ये जब वहाँ जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर जो ये ब्रैकेट वहाँ जाएगा तो m2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा एम वन एम टू जी माइनस एम वन टी m1 m2 g माइनस एम वन टी. अब अगर हमको टेंशन का इक्वेशन चाहिए तो टेंशन वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो ज़्यादा अच्छा होगा कि ये माइनस वाले को यहाँ ले लो. तो ये हो जाएगा m1 t प्लस m2 t इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ m1 m2 g जो ऑलरेडी है वो लिख दिया और ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस वाला यानी प्लस m1 m2 g क्या हो जाएगा ये 2m1 m2 into g है ना टू टाइम्स हो जाएगा एंड यहाँ पे टेंशन कॉमन निकल जाएगा और ये हो जाएगा m1 plus m2. टेंशन का फॉर्मूला भी मिल गया. व्हाट इज दैट t इज इक्वल टू इसको इधर भेज दो यानी t इज इक्वल टू वहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2m1 m2 into g अपॉन m1 plus m2 या कहो तो t इज इक्वल टू टू टाइम्स m1 m2 अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी. ये हो गया फॉर्मूला फॉर टेंशन दिस इज फॉर एक्सेलरेशन ठीक है. अब ऐसे ही बहुत सारे मतलब ये जैसे दोनों यहाँ हैंग कर रहे हैं ऐसे हो सकता है कि एक एक बॉडी जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो और यहाँ एक पुली लगा हो स्ट्रिंग से दूसरा बॉडी हैंग किया गया हो. अगर फ्रिक्शन वाली चीज़ नहीं दी अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है
तो बस उसमें भी आपको वैसी लॉजिक लगानी है कि भाई फोर्स कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंशन होगा, ये M1G और R जो है वो तो कैंसिल बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यानी इसमें सीधे सीधे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली ड्यू टू टेंशन। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज M1, तो टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सीधे सीधे ये इक्वेशन आ जाएगा इस वाले में। इफ देर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रहेगा तो अलग चीज़ होगी जो हम आगे करेंगे, राइट। और इसका तो फ्री बॉडी ऐसे ही बन जाएगा जैसे हमने यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, मैंने एक पुराना मतलब अपना वीडियो डाला भी है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। और अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो किसी न्यूमेरिकल में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और न्यूमेरिकल कोशिश करूँगा जो भी आपका न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई और टॉपिक में डाउट हो तो ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।